पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए अगले 5 दिनों परीक्षा होगी। ये 23, 24, 25 अगस्त को और 30 और 31 अगस्त को होगी। 5 दिनों में हर एक दिन 2 पालियों परीक्षा होगी, कुल मिलाकर 10 पालियों परीक्षा संपन्न होगी। ये परीक्षा मेरिट जोन के 7 जनपदों में हो रही है और सबसे ज़्यादा जो हमारे केंद्र और सबसे ज़्यादा परीक्षार्थियों मेरठ में, हमारे यहाँ मेरठ में करीब 36 परीक्षा केंद्र हैं और इसमें प्रति पाली करीब 17,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी आएंगे। तो हम लोगों ने परीक्षा केंद्रों पर जो व्यवस्था की है वो 3 तरह की है। एक तो ये कि वहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे और उसके साथ साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे जो DM द्वारा तैनात होंगे, और वहाँ पर प्रभारी पुलिस अधिकारी भी रहेंगे जो DSP या इंस्पेक्टर होंगे, जिनको SSP SP तैनात करेंगे। पूरी परीक्षा CCTV के कवरेज में संपन्न होगी। जहाँ जहाँ परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन सारे कक्षों में CCTV लगा रहेगा। जो वहाँ परीक्षा केंद्र पर जो जहाँ क्वेश्चन पेपर्स रखे जाएंगे कुछ समय के लिए, वो हमें जो स्ट्रांग रूम है वो CCTV कवरेज में रहेगा। जो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पहुँचेंगे लेके जाएंगे वो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लेके जाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर लेके जाएंगे उस प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर उन तीनों को सौंपेंगे जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस अधिकारी हैं। वहाँ जो क्वेश्चन पेपर खोले जाएंगे वो परीक्षार्थियों की मौजूदगी में CCTV और वीडियोग्राफी के साथ खोले जाएंगे। तो कुल व्यवस्था ये की गई है कि पूरे परीक्षा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे, वीडियोग्राफी रहे, जिससे किसी गाने कहीं करने का, क्लिक करने का मौका ना मिले। हम लोगों ने ये भी काम की कोशिश की है कि जो परीक्षार्थी जनरल परीक्षार्थी परीक्षा दें, किसी के बदले कोई बदले में कोई परीक्षार्थी ना पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने थॉरो फ्रिस्किंग, चेकिंग, आधार वेरिफिकेशन और फोटोग्राफी के माध्यम से उनकी मैचिंग ये भी कराएंगे। इसलिए हम लोगों ने सारे परीक्षार्थियों से अनुरोध किया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाए, जिससे कि वहाँ चेकिंग हो सके, फ्रिस्किंग हो सके, उनके आधार वेरिफिकेशन हो सके और उनकी फोटोग्राफी से मिलान कराया जा सके। करने के बाद ही उनको हम अंदर भेजेंगे, जिससे कि परीक्षा जीवनी रहे, परीक्षार्थी जाने। सोशल मीडिया पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और जो नकल कराने वाले माफिया थे, नकल कराने में साथ रखने वाले जो भी अपराधी थे, उनकी सूची बना ली गई पिछले 10 सालों की। चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा में रहे हों या किसी अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल रहे हों, उन सब पर नज़र रखी जा रही है। मुख्यालय भी नज़र रख रहा है, हम लोग भी नज़र रख रहे हैं। उनकी टेक्निकल सर्विलांस, फिजिकल सर्विलांस दोनों कराई जा रही है। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भ्रामक विज्ञापन आए हैं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि साहब हमारे पास टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेपर फला तारीख के फला शिफ्ट के अवेलेबल हैं, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं पेमेंट करके। तो मैं सारे परीक्षार्थियों के लिए बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 10 पालियों परीक्षा है, तो 10 पालियों 10 सेट क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा 15-16 क्वेश्चन सेट पेपर बना के रखे हैं और किस पाली में कौन सा क्वेश्चन पेपर चालू होगा ये उसी दिन परीक्षा से कुछ दिन पहले ही, उस दिन उस समय पहले ही निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई आज के डेट में कहीं दावा कर रहा है कि उसके पास क्वेश्चन पेपर आ गए हैं और फला तारीख के फला शिफ्ट के हैं, तो सब ज़्यादा भ्रामक है। ऐसे भ्रामक दावों के, ऐसे भ्रामक भ्रमों के संबंध में, ऐसे ठगों के चक्कर में ना आए, अपना पैसा ना कमाए, अपितु ऐसे कोई उसको ठगने की कोशिश कर रहा है, उनको भ्रामक बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके संबंध हमें और कोर्ट को बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। के लिए जो व्यवस्था के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो NAS कॉलेज का जो सेंटर बनाया है, इस पे टोटल 480 कैंडिडेट एक उसमें पारी में परीक्षा देंगे और ये जो परीक्षा होगी ये 2 पारियों में होगी। पहली जो पारी है 10 से 12 तक है, दूसरी पारी 3 से 5 बजे तक है। तथा इसमें जो सुरक्षा के इंतजाम है पुलिस प्रशासन की तरफ से, बाहर जो बच्चे जो कैंडिडेट आएंगे उनकी जांच जो है बाहर होगी, जो केंद्र का मुख्य द्वार है, जहां पर बच्चों को सिर्फ अपना पैन, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लाने की अनुमति होगी। साथ साथ में जो यहां पर इन्वेटर लगाए गए हैं, तकनीशिक लगाए गए हैं और परीक्षा से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, पुलिस द्वारा उनकी भी जांच होकर अंदर आई कार्ड उनको दिए गए हैं कि जो परीक्षा से पहले आएंगे सुबह 7 बजे वो उपस्थित हो जाएंगे केंद्र पर, वो भी अपना आई कार्ड लेकर आएंगे, उनको भी अंदर आने की अनुमति तभी होगी। साथ साथ में जहां से बच्चा मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा और अपने जो उसका अंदर सेंटर है, जो अंदर रूम बनाए गए हैं, जिस रूम में उसको सीट होगी, वो पूरा CCTV कैमरे में वो कवर होगा पूरा का पूरा। और एक रूम के अंदर करीब 24 का सीटिंग प्लान है हमारे यहाँ पर इसमें, और वो बिल्कुल रोल नंबर वाइज उसका बैठने की व्यवस्था की गई है। टीचरों की जो ड्यूटी है, बताया जा रहा है कि परीक्षा से कुछ समय पहले ही बताया जाए कि किस रूम में क्या होंगे।
हाँ सर, वो उसको प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से भी उसको गोपनीय रखा गया है, जिसमें दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उसकी ड्यूटी लगाने की, इन्वेलेटर की। वो रैंडमली लगाई जाएगी, जिसमें जितने भी रूम हैं वो हर सेंटर के लिए है कि उसमें स्टैटिकल मजिस्ट्रेट साहब और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट केंद्र व्यवस्थापक हैं वो दोनों मिलकर रैंडमली, उनके पास लिस्ट आएगी, रैंडमली वो ठाकर जो हमारे केंद्र के शिक्षक होंगे जो ड्यूटी दे रहे हैं, और जो जिला अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित लिस्ट हमारे पास आई है उसमें रैंडमली उनको रूम में भेजेंगे। उनको कोई पता नहीं होगा हमें किस रूम में ड्यूटी देनी है जब वो सुबह आएंगे यहाँ पर।